अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको टींडे और गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत नाइस डिश है। ये तीनों को मैंने, आप देखें, ऐसे काट लिया है और गोश्त में ये एक 1 kg गोश्त है और टमाटर थोड़े चाहिए होंगे और मीडियम साइज हमें ऑनियंस चाहिए। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, लेमन चाहिए, सॉल्ट चाहिए और रेड चिलीज पाउडर चाहिए, टर्मरिक पाउडर चाहिए। ये बहुत ही आसान डिश है, गरम मसाला है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त में मैं गरम मसाले को डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से इसको मैं मैरिनेट इसके में करके रखूंगी। और ये जो हमने लेमन है, ये अब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें लेमन डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और ये ऑयल है, हमने इस ऑयल को भी इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट कर देना है और इसको हम इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। इसमें अब हम देखें ऑयल डाल लेंगे और इसको गलने के लिए हम आप देखें नाजरीन, हम इसमें पानी दो कप डाल देंगे अच्छी तरह से। और ये इसको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। आपको पता है मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है, ऑयल डाला है, नमक डाला है और सब कुछ मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें, इसमें सॉल्ट डाल देना है 1 टेबल स्पून, रेड चिलीज पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर डाल देंगे और ये जो हमने ऑनियंस काटे हैं वो भी इसमें चले जाएंगे और ये टमाटोज हैं ये भी इसी में डाल देंगे। अब इसको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, गल जाए गोश्त को और इसकी स्मेल अच्छी तरह से मर जाए, तो आप इसमें अपनी डिश को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह इसको भूनूंगी मैं बाद में जब ये गल जाएगा। अब इसको मैं ढांक के रखने लगी हूँ, कवर करने लगी हूँ मैं इसको। इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल के ना, तो फिर इसको अच्छी तरह कवर करने के लिए इसको रख देना है। ये देखिए, इसको मिक्स कर दें सब कुछ, टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियंस, गरम मसाला डाल के हम इसमें नमक मिर्च डाल के रखते हैं। कवर हो चुका है नाजरीन। अब ये गोश्त जो है गल के तैयार हो चुका है, इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। इसका मसाला अच्छी तरह से अंदर रह चुका है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने के बाद वो जो टींडे हैं वो हम इसको साबुत ही इसके अंदर डाल के इसको दम पे रख देंगे सिमर होने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। इसमें हमने ऑयल ऐड कर देना है, ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हम। जब इसका मसाला अच्छी तरह से अंदर रच जाए तो आप इसके बीच में टींडे डाल दीजिए। ये देखें, ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है, इसके बीच में अब मैं डाल दूँगी टींडों को। अब ये देखें नाजरीन, टींडों को हमने इसके अंदर डाल देना और इनके अंदर से जो मैंने मसाला निकाला था वो मैं ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुकी थी, जो टींडे मैंने काटे थे। और जो ये मसाला है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखें, ताकि ये भर जाए अंदर से और अंदर से भी इनको। ये देखें नाजरीन, जो आपने टींडे डाले थे इसमें और वो भी आपने स्टीम करने के लिए रख देने हैं और ये साबुत ही होंगे क्योंकि इसमें मैंने टूथपिक लगा दी हैं ताकि ये मूव ना हो सकें। इनके ढक्कन जो बनाया है हमने इसका कवर, ये ऐसे ही रहें और जब ये पक जाएँ तो आप इसको उतार दें। ये स्टीम हो रहा है, देखें। और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे पकने तक। ये देखें नाजरीन, अब ये कद्दू टींडे जो है, टींडे गोश्त, ये तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब देखें ये कितनी अच्छी लग रही है, टींडे मैंने बना के इसमें भर भर के इनको और इसमें गोश्त डाल दिया था। अगर किसी को
टींडे पसंद नहीं होते तो वो इनको सेपरेट निकाल सकते हैं और गोश्त को खा सकते हैं। तो इस तरह आप टींडे भी खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो टींडे पसंद नहीं करते, तो फिर अगर आप डिश बनाएं तो इसका जायका भी अंदर चला जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, और आप निकाल के ये खा भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।